हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ब्लोअर हीटर रिपेयर करेंगे, जिसे आप रूम हीटर भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इसमें एलिमेंट चेंज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास नया एलिमेंट है, इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारे पास नया एलिमेंट है तो इसे चेंज करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने इसका ढक्कन खोल लिया है दोस्तों पहले से ही, और सिंपल इसे निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका एलिमेंट हमारा जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों, और कनेक्शन से किस तरीके से करनी है, किस तरीके से इसमें एलिमेंट इंस्टॉल करनी है दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें, जिससे आपको पूरी फुल जानकारी मिल सके स्टेप बाय स्टेप। तो उसके पेज खोल लेते हैं सिंपली हम पहले से। तो पेज खोल लेते हैं हम लोग, और पेज खोलने के बाद से हम दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा एलिमेंट इसके नीचे लगा हुआ है इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ से वायर भी ब्रेक हो चुका है, बार बार वायर टूट रहा है दोस्तों। यहाँ हमारा मेन कनेक्शन, वहाँ से तार टूट रहा है दोस्तों, और इसका एलिमेंट दोस्तों खस्ता हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसलिए हम इसमें नया एलिमेंट इंस्टॉल करेंगे, और इसमें आपको पूरी वीडियो में इसके दिखाएंगे कि किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली से हम निकाल लेंगे दोस्तों, काफ़ी ख़राब हो चुका है ये एलिमेंट, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारी जो वायर है अंदर से, वो भी ख़राब हो चुकी है, इसकी स्प्रिंग जितनी भी स्प्रिंग है, इसकी कॉइल सब ख़राब हो चुकी है। तो इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से, इसे निकाल लेता हूँ इस वायर में जो लगा हुआ है हमारा, यहाँ से कट करके निकाल लेता हूँ दोस्तों। काती है प्लास की मदद से यहाँ से निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं। तो ये एलिमेंट देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ही ख़राब है, साइड से रख देता हूँ। और जो हमारा नया एलिमेंट है दोस्तों, उसे हम लगाएंगे सही तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा नया एलिमेंट आ गया दोस्तों, दिखा देता हूँ एक बार निकाल के। तो छोटा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये खींचेगा दोस्तों, है ना, खींचेगा। तीन पार्टों में इसके ये लॉक हैं, वो फंसेंगे दोस्तों। और ये हमारे कुछ नट बोल्ट हैं, यहाँ से हमें कनेक्शन करना है दोस्तों, लो हाई मीडियम। एक हमारा दोस्तों लो हाई है इसमें, और बाकी हमारा जो है एक कॉमन वाला वायर है, तो उसके कनेक्शन करके दिखाएंगे। और ये हमारे जो दोस्तों खांचे बने हुए हैं, इसमें ये फंसेगा एलिमेंट, ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ फंसेगा। ये हमारे ये लॉक है, इसमें फंसेगा, देख सकते हैं आप लोग, ऊपर भी बने हुए हैं हमारे इस तरीके से, इसमें फंसेंगे। और ये हमारी पत्ती है, इसके ऊपर एक रिले कसी हुई है, वो हमारी रिले दोस्तों कोई बात नहीं, डायरेक्ट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। रिले की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा जो वायर है छोटा है, तो हम इसमें सबसे पहले एक वायर शॉर्ट कर लेते हैं, कम से कम 1.5 mm का वायर लेना है हमें, इससे कम का नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों वो जल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगा दोस्तों। इसलिए हमें इसमें सही सा वायर लेना है, मजबूत वाला। तो इस वाले छोटे वायर को निकाल लेते हैं हम, और सिंपली इसमें एक वायर लगा लेते हैं जो कि हमारा बड़ा है दोस्तों, और 1.5 mm का कम से कम। तो पेस्ट लगा के और शोल्डर आयरन लगा के इसे कर लेते हैं हम शोल्ड अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप। तो शोल्डिंग हमें काफ़ी अच्छी मजबूती से करनी है, जिससे हमारा दोस्तों वायर निकले ना, और निकल के अगर कहीं बॉडी में टच हो जाता है तो उसमें स्पार्किंग होने का डर रहता है दोस्तों, स्पार्किंग और आग लगने का डर रहता है दोस्तों। तो उसमें हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे हमारी सप्लाई भी दिक्कत कर सकती है। तो इसे कर लेते हैं सिंपली शोल्डर में अच्छे तरीके से, देख सकते हैं। तो शोल्डर आयरन की मदद से कर लेते हैं शोल्ड, थोड़ा सा शोल्डर आयरन हमारा हीट पे कर लिया हमने, थोड़ा सा कम लो पे था इसलिए। और शोल्डर आयरन हम 60 वाट का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें हैवी से हैवी टाँका लगाना पड़ता है इसलिए। तो सिंपली से लगा लेते हैं हम, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कर लेता हूँ शोल्ड बढ़िया तरीके से। तो हमारा काफ़ी मजबूत तरीके से लगा लेना हमें, और उसके ऊपर दोस्तों स्लिप जरूर लगानी है। स्लिप अगर लगाएंगे हम, तो हमारा ये वायर अगर दोस्तों उसकी प्लास्टिक कहीं से चटक वटक भी जाती है, तो हमारी ये बॉडी में अर्थ नहीं आएगा दोस्तों। ये स्लिप लगा लेते हैं हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और अगर दोस्तों ज़्यादा लंबा वायर है तो उसे हम हल्का सा कट भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, देख सकते हैं हमने ये लगा ली स्लिप, इससे हमारा वायर ये सेफ्टी हो गई दोस्तों सिर्फ थोड़ी सी। और अब सिंपली हमें करना क्या है, इस एलिमेंट में कनेक्शन करना है। तो ये रिले वाला वायर है दोस्तों, हम इसमें करेंगे एलिमेंट में शोल्ड, तो हल्का सा और छील लेता हूँ दोस्तों से, ताकि इस बोल्ट में हम इस वायर को लगा सकूँ। थोड़ा सा और छील लेता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, इसे बड़े तरीके से आपस में अमेट लेना है, जिससे हमारा वायर दोस्तों फैले ना, ठीक है। तो इसका बीच वाले पॉइंट में इस वायर को लगाएंगे, रिले वाले को यहाँ से, जो कि कॉमन है दोस्तों। इसका एक कुंडा बना लेता हूँ घुमा कर, अमेट कर, और इसे नोक प्लास की वजह से टाइट कर देना, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर लूज़ छोड़ेंगे हम तो हमारी दोस्तों स्पार्किंग होगी, जलेगी, ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे टाइट रखना है अच्छे तरीके से, नोक प्लास की मदद से टाइट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमारा टाइट हो गया है। अब हमारा स्विच का दोस्तों जो लो है, लो लो में लगाएंगे, और हमारा जो दोस्तों हाई है, हाई हाई में लगाएंगे। तो हमारे ये वाला जो वायर है, सिंपली इसमें नट में कस लेते हैं, यहाँ से खोल कर ये इस तरीके से लगा लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ से कस लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमने लगा लिया है, और इसे नोक प्लास की मदद से लगा के कस लेते हैं दोस्तों। दोस्तों लूजिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, काम आप कोई भी करो लूजिंग नहीं छोड़नी है। इस अगर लूजिंग होगी तो दोस्तों दिक्कत आएगी, बार बार प्रॉब्लम आएगी, वही वाली बात।
और उसमें हमारा एलिमेंट दोस्तों ख़राब था। कई बार हमने इसे रिपेयर करके चलाया बट हमारा ये दोस्तों ज़्यादा दिक्कत करने लगा, तो हमने सोची इसमें नया एलिमेंट डाला जाए क्यों ना। तो हम नया एलिमेंट डाल लेते हैं, देखते हैं आप लोग। तो हल्का सा वायर छील लेता हूँ मैं, देख सकते हैं थोड़ा सा वायर इसका छील कर इसका कुंडा बनाकर दोस्तों इसे भी हम लगा लेते हैं दोस्तों। लास्ट वाला वायर है आखिरी, देख सकते हैं आप लोग। तो ऊपर वाले में भी लगा लेता हूँ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। उसे भी नट को खोल कर हम इसमें लगा कर टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। तो हमारे सिंपली वायर दोस्तों नया एलिमेंट है, वायर भी हमारे टाइट लगे हैं तो ये काफ़ी चलेगा दोस्तों, काफ़ी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, देख सकते हैं आप लोग। तो उसे भी नोक प्लास की मदद से टाइट कर देता हूँ मैं फटाफट। कर लिया हमने टाइट और सिंपली इस एलिमेंट को हम लगाएंगे। अब थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँगा आपको एक बार, देख सकते हैं आप लोग। रिले से हमारा वायर आ रहा है वो बीच में है दोस्तों, और लो मीडियम हमारा सिस से आ रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग कनेक्शन। तो उसे लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा इसका खिंचाव करना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए होगी, देख सकते हैं आप लोग। मैं हेल्प ले लेता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो उसे हम खिंचाव करके लगा लेते हैं दोस्तों। तो हमने ये खिंचाव कराया, हल्की सी हेल्प ले लेते हैं हम, देख सकते हैं आप लोग। और ये हमने लगाया इस तरीके से दोस्तों हमारा ये आ जाएगा। और एक बार जब चल जाएगा दोस्तों तो उसका खिंचाव थोड़ा ना कम हो जाएगा दोस्तों। अभी इसका खिंचाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि नया है दोस्तों, देख सकते हैं। ये हमने लगा लिया बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल इसमें फटाफट पेंच कस लेते हैं क्योंकि अगर यह हमारे हाथ से छूटेगा तो दोस्तों स्प्रिंग फिर से वापसी खिंच जाएगा, देख सकते हैं। फटाफट लगा लेता हूँ मैं इसके पेंच, और पेंच लगा लेने के बाद इसे चेक करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों ये। उससे पहले हम लगा लेते हैं इसके पेंच, हल्का सा वीडियो स्किप करूँगा और पेंच लगा लेता हूँ दोस्तों। तो हमने इसके पेंच लगा लिए हैं, वीडियो स्किप कर दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। एलिमेंट बिल्कुल सही तरीके से आया है हमारा। और आगे जाली लगा के दोस्तों ऐसे ढक्कन करके फिट कर लेता हूँ दोस्तों। तो फिट करने से पहले एक बार चला के देख लेता हूँ दोस्तों। मैं आपको इसमें आपको पता तो नहीं लग पाएगा लेकिन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हम सिंपली चेक कर लेते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हमारा फ़ैन तो दोस्तों ठीक था और हमारा एलिमेंट ख़राब था। हमने बोर्ड में लगा लिया, बोर्ड में लगाने के बाद सबसे पहले हम सीरीज में लगाएंगे। तो हमारा सीरीज में हमने लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे दोस्तों पैरेलल में चेक करने के लिए। दोस्तों पैरेलल में हमने लगा लिया है और ऑन कर लेते हैं इसे हम दोनों स्विच को, देख सकते हैं आप लोग। ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्लास हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों, ये हमें हीट आ रही है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।